जो बचे हैं संग समेट लो। तो सबसे पहले जब इसकी न्यूज़ आई थी तो लोगों ने एज ए रूमर के तौर पे लिया था कि शायद ये बनेगी या शायद ये नहीं बनेगी। जब अली काजमी साहब ने ट्वीट किया था कि ये सीज़न बन रहा है जो नेटफ्लिक्स पे ऑफिशियल पाकिस्तानी रिलीज़ किया जाएगा, इसके 3 सीज़न होंगे और पर सीज़न 3 एपिसोड होंगी, तो मैंने भी एज ए रूमर की तरह लिया था। उसके बाद कोई न्यूज़ नहीं आई जो कि मेरे इस बात पर यकीन और बढ़ा देता है कि ये रूमर ही था और ये नहीं बनेगी। उसके बाद फिर न्यूज़ आती है इसकी स्टारकास्ट की और न्यूज़ कुछ ऐसे कूप्स की तरफ से आती है जिस पे काफ़ी यकीन किया जा सकता है। लेकिन स्टारकास्ट में जो स्टारकास्ट बताई गई है, जो स्टार्स बताए गए जो एक्टिंग करेंगे, वो काफ़ी बड़ी और बहुत लंबी लिस्ट है। उसमें फवाद खान, हमजा लिबासी, मायदा खान, सजल अली जैसे मेथड्स एक्टर भी हैं और काफ़ी बड़ी कास्ट है, जो कि मुझे सुनने में बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है कि इसकी आगे वाले 3 या 4 साल में कुछ शूटिंग भी शुरू होगी या नहीं। मेरा इस पे ज़्यादा यकीन तो नहीं है। अब ये भी तो देखो ना कि स्टार कास्ट बताने के बाद उसके बाद फिर से कोई न्यूज़ नहीं है। ये अभी तक ये ऐसे है कि जैसे एक न्यूज़ आती है फिर सन्नाटा 2 साल का, फिर न्यूज़ आएगी, फिर 2 साल का सन्नाटा, फिर न्यूज़ आएगी, लेकिन कोई पक्की खबर नहीं आ रही। ना ये ऑफिशियली नेटफ्लिक्स पे किसी ने बताया है, ना उनकी साइट पे आया है, ना किसी एक्टर ने बताया है, खुद लीक किया है, कुछ भी नहीं हो रहा। सिर्फ एक रूमर आता है जिस पे लोग खुश हो जाते हैं, कुछ देर बाद फिर से भूल जाते हैं क्योंकि उसकी अगले कोई न्यूज़ या रूमर कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। तो मुझसे किसी ने कहा था कि इस पर बात करो, तो मेरा तो अभी तक यही ओपिनियन है कि इस चीज़ को अभी सीरियसली मत लो क्योंकि ये ऑफिशियल नहीं है, ये सिर्फ रूमर्स हैं और रूमर्स पे यकीन करना मुश्किल होता है। बाकी आप सबका इन पर क्या कहना है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।